जगन्नाथ पुरी के रत्न भंडार की आखिरी गिनती में ऐसा क्या मिला जिसे देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, और सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का अकूत भंडार का एक ऐसा रहस्य जिसका पता लगाने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास खोजकर्ता पहुंचे, वह कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, साल 2018 की बात है। 16 लोग एक खुफिया अंधेरे रास्ते से जा रहे थे। उनकी मंजिल थी एक खुफिया तहखाने का दरवाजा, जिसे 34 साल बाद खोला जाने वाला था। दरवाजे के अंदर क्या था? एक प्राचीन खजाना था, इसलिए वो लोग अपने साथ सांप पकड़ने वालों को भी लेकर आए थे। लेकिन जैसे दरवाजे के पास पहुंचे, एंटी क्लाइमैक्स हो गया। पता चला कि खजाने की चाबी गायब है। सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर, एक खुफिया कक्ष, सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का अकूत भंडार और एक खोई हुई चाबी की कहानी ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की है। 224 लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनावों के दौरान इस रत्न भंडार को लेकर खूब राजनीति भी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया। वर्तमान में इसके खोले जाने की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत रत्न भंडार में मौजूद खजाने की गणना की जाएगी। इस मौके पर हमने सोचा कि आपको बताएं कि जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार का इतिहास क्या है, वह कहानी क्या है कि जब इस रत्न भंडार को लूटने की कोशिश हुई, और साथ ही जानेंगे कि क्या है इस रत्न भंडार के अंदर और इसे खोलने की प्रक्रिया क्या है। पहले जानते हैं कि कैसा है यह रत्न भंडार। श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार मंदिर के उत्तरी दिशा में बना हुआ है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सालों से मंदिर में छड़ाए जाने वाले रत्न और जवाहरात, सोना चांदी वगैरह भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। भंडार में दो चैम्बर, एक बाहरी चैम्बर और दूसरा भीतरी चैम्बर, दोनों में आभूषण और रत्न है, लेकिन खोले जाने के नियम में अंतर है। 1960 में बनाए गए रूल्स के तहत रत्न भंडार की चीजों को तीन भागों में बांटा गया। कैटेगरी वन यानी वो रत्न आभूषण जो भीतरी भंडार में रखे गए हैं, क्योंकि यह पुराने वस्त्र और आभूषण हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी कैटेगरी यानी वो रत्न जो खास मौकों पर इस्तेमाल होते हैं, मसलन स्वर्ण वस्त्र, जिन्हें रथ यात्रा जैसे खास मौकों पर बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आती है कैटेगरी थ्री यानी वो रत्नाभूषण जो रोज भगवान को पहनाए जाते हैं। अब इस कैटेगरी दो और तीन के जो रत्न होते हैं, वो बाहरी भंडार में रखे जाते हैं, बाहरी चैम्बर में, और कैटेगरी वन के आभूषण भीतरी भंडार में। भीतरी भंडार में डबल लॉक के साथ मंदिर प्रबंधन कमेटी की सील लगती है और चाबी राज्य सरकार के पास जमा रहती है, जबकि बाहरी भंडार की चाबियां मंदिर प्रबंधन के पास रहती हैं। अब जैसा सिस्टम है, जाहिर है बाहरी भंडार को समय समय पर खोला जाता है, लेकिन भीतरी भंडार को साल 1985 से 2024 तक नहीं खोला गया। इस कारण भीतरी भंडार को लेकर लोगों में कौतूहल रहता है। भीतरी भंडार में क्या है, यह जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे। इतना तो जाहिर है कि भीतरी भंडार में आभूषण रत्न वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि ये सब आए कहां से। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से कलिंग, जिसे हम ओडिशा के नाम से जानते हैं। यहां तब गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोल गंगा का राज था। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप आपने ही बनवाया, साथ ही आपने मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन, बहुमूल्य रत्न वगैरह भी दान दिए, जिसके चलते मंदिर 12वीं सदी से ही धन धान्य से भरा रहा। आज भी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में है। कई राजाओं ने मंदिर को ढेर सारा अनुदान दिया। कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज। मदल पंजी के अनुसार राजा अनंग भीमदेव देव ने जगन्नाथ को लगभग 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बने। इनके पुत्र और गंगा वंश के अगले राजा का नाम था नरसिंह देव, जिन्हें मध्यकाल के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक माना जाता है। बख्तियार खिलजी का नाम आप जानते ही हैं। इल्जाम लगता है इन पर कि बिहार में कई विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। बख्तियार खिलजी के बाद तुर्क और अफगान हमलावर भी लगातार बंगाल पर हमला कर रहे थे। ऐसे में नरसिंह देव ने बंगाल पर आक्रमण कर इनका सफाया किया। इनके वक्त में कई मंदिरों का निर्माण भी हुआ, मसलन कोणार्क का फेमस सन टेम्पल इन्होंने बनवाया। इतना ही नहीं, नरसिंह देव ने घोषणा करवाई थी कि भगवान जगन्नाथ इनके साम्राज्य के असली राजा और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आगे बढ़ें तो गंगा वंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन शुरू होता है। इन्हें गजपति के नाम से भी जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिल इंद्रदेव ने की थी। यह साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। राजा कपिल इंद्र के बारे में एक शिलालेख में जिक्र मिलता है कि दक्षिण के अभियान के बाद जब वह वापस
लौटे अपने साथ 16 हाथियों में लादकर सोना लाए थे। यह सारा सोना मानता है कि उन्होंने श्री जगन्नाथ को ही दान किया। 24वीं और 28वीं सदी के बीच इस रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया था कि इसे 18 बार लूटने की कोशिश हुई। रत्न भंडार को लूटने की कोशिशों में सबसे मुख्य नाम आता है काला पहाड़ का। कौन थे? साल 1568 की बात है। बंगाल पर तपकर रानी वंश का राज्य था। इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी के एक मुलाजिम ने की। कर रानी वंश के राजा सुल्तान सुलेमान ने ओडिशा पर आक्रमण किया। यह जिम्मेदारी दी उन्होंने अपने बेटे बायजीद को और उनके साथ भेजा एक मिलिट्री जनरल को, जिन्हें आगे चलकर काला पहाड़ के नाम से जाना गया। काला पहाड़ ने श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार में भी लूटपाट मचाई थी। औरंगजेब के द्वार में भी एक फरमान का जिक्र मिलता है, जिसमें औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। यह फरमान पूरा तो नहीं हुआ, मंदिर है, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक मंदिर को बंद रखा गया। इसके अलावा भी मंदिर पर आक्रमण की कई और कोशिशें हुई। कई बार मूर्तियों को दूसरे स्थानों पर छिपाया गया और रत्न भंडार को भी नुकसान पहुंचा है। इन आक्रमणों में रत्न भंडार के अंदर क्या क्या रखा है, यह हमें समय समय पर बनाई गई लिस्ट से पता चलता है। रत्न भंडार में कितना खजाना है? अंग्रेजों के वक्त में पहली बार रत्न भंडार के कोष का एक डिटेल सर्वेक्षण हुआ। मॉडर्न साल 1805 में पुरी के कलेक्टर ने रत्न भंडार का लेखा जोखा तैयार करवाया, जिसके अनुसार अब इसमें सोने और चांदी के 64 आभूषण, 124 सोने के सिक्के, 1297 चांदी के, 106 तांबे के सिक्के, 1333 वस्त्र थे। रत्न भंडार की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए साल 1954 में सरकार ने श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट पास किया, जिसमें कुछ नियम बनाए गए। ये वही नियम है जो हमने आपको पहले बताए थे। इन नियमों के तहत समय समय पर भंडार को खोले जाने और आभूषणों के रखरखाव की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन यह काम सही से नहीं हुआ। इसलिए साल 1978 में ओडिशा सरकार ने गवर्नर बीडी शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जो मंदिर के उचित प्रबंधन का सुझाव दे सके। इसी कमेटी ने आखिरी बार रत्न भंडारों के रत्नों की इन्वेंट्री बनवाई थी। लिस्ट आखिरी इन्वेंट्री से पता चलता है कि भीतरी रत्न भंडार में 83.64 किलो के 367 सोने के जेवर और 148.78 किलो के 231 चांदी के जेवर थे। भीतरी रत्न भंडार को आगे दो बार और खोला गया, साल 1982 और 85 में। हालांकि तब इन्वेंट्री की नहीं गई। इसके बाद भीतरी भंडार कभी नहीं खोला गया था, इसलिए साल 2018 में ओडिशा हाईकोर्ट ने भंडार को खुलवाने का हुक्म दिया, ताकि कमरे की मरम्मत वगैरह की जा सके। ASI को कमरे का सर्वे भी करना था, यह देखने के लिए कि भीतरी भंडार के आभूषणों को रखरखाव या मरम्मत की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वह आर्ट इफेक्ट्स हैं। ASI कमरे को खोलने जा रही थी, लेकिन तभी पता चला कि चाबी नहीं है। अब नियम के हिसाब से वह चाबी गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास होनी चाहिए थी, सरकारी खजाने में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया कि चाबी नहीं है। हो हल्ला मचा ही था कि अचानक एक दिन कहा गया कि जिले के रिकॉर्ड रूम में डुप्लीकेट चाबी भी सीलबंद लिफाफे में, नियमों के हिसाब से डुप्लीकेट चाबी होनी ही नहीं चाहिए थी। यहां से मामले ने तूल पकड़ आना शुरू किया। काफी हंगामे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जांच के आदेश दिए। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई, वह भी एक नहीं दो बार। एक कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी भी, लेकिन उसे पब्लिक नहीं किया गया। दूसरी कमेटी की रिपोर्ट पूरी होती इससे पहले 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनावों का नतीजा आ गया और नवीन पटनायक सरकार गिर गई। नई सरकार में भीतरी भंडार को खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके तहत और नए सिरे से रत्नों की गिनती होगी और नई इन्वेंट्री बनाई जाएगी। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि वर्तमान में रत्न भंडार के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। धन्यवाद।